5G नेटवर्क की उपयोगिता और भारत के शहरों के अलावा गांव तक 5G नेटवर्क को कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर धनबाद के IIT आईएसएम के गोल्डन जुबली लेक्चरर थिएटर में BIT सिंदरी और IIT आईएसएम के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के कई टेक्निकल एक्सपर्ट पहुंचे। वहीं पहुंचे वक्ताओं ने बताया कि भारत की अधिकतर आबादी गांवों में निवास करती है। सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं गांव में रहने वालों के लिए बनाती है। आजकल कई तरह के काम ऑनलाइन होते हैं, परंतु नेटवर्क के समस्याओं के कारण कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि 3G और 4G सेवाएं उपलब्ध है, परंतु 5G नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में हम लोग गांव का बेहतर विकास कर सकते हैं, साथ ही किसानों को एक बेहतर बाजार भी उपलब्ध करवा सकते हैं। इसलिए सरकार भी प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द 5G की सुविधा शहरों के अलावा गांव तक पहुंच सके। ये हो रही है कि जिस तरह से इंडिया में डेवलपमेंट हुआ 2G 3G 4G, इसमें थोड़ा हम लोग पीछे रहे थे। 5G में जैसे वर्ल्ड में हो रहा है, 5G का ट्रायल वगैरह जो है सो इंडिया में भी हो रहा है, और 5G के बियॉन्ड भी क्या होना चाहिए उस पर भी चर्चाएं चल रही है। लेकिन लोगों को यह होता है कि अगर हमको स्पीड से ही मतलब है तो 3G में या 4G में स्पीड है तो फिर 5G क्यों? 5G जो है केवल स्पीड नहीं है, 5G एक पूरा सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे यूसेस पार्ट हैं, जो अभी आपको पहले बता रहे थे कि बहुत तरह के ऐसे हैं, जैसे कि कहने को लोग यहां तक कह देते हैं कि ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट है, लाइट मैनेजमेंट है, पॉल्यूशन मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट सिटी की जितनी चीजें हैं वो 5G में पॉसिबल है।